वेलकम बैक फ्रेंड दोस्तों नमस्कार ऑफिशियली खुशखबरी आप सबके लिए आ गई है यहाँ पर देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है उत्तर प्रदेश पुलिस में न्यू वैकेंसी जो है अभी थोड़ी देर पहले डिक्लेयर कर दी गई है आपका फॉर्म ऑनलाइन कब से होगा उत्तर प्रदेश पुलिस में न्यू वैकेंसी आ चुकी है यहाँ पे देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा इसको यहाँ पे देखो रिफ्रेश करते हैं आपके सामने रिफ्रेश कर दिए रिजल्ट भी आपका बहुत ही जल्द आ जाएगा ठीक है तो सबसे पहले यहाँ देखिए वैकेंसी किसकी आई है कौन कौन कैंडिडेट इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग प्रधान परिचालक और प्रधान परिचालक यांत्रिक के, के पदों पर सीधी भर्ती ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया है महा खुशखबरी है वैकेंसी आ गई ठीक है फार्म आलन कब से होगा इसको अभी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग सहायक परिचालक के पदों पर सीधी भर्ती तीन वैकेंसियाँ हैं यहाँ यहां देखो वन टू और थ्री उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग कर्मचा कर्मशाला और कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती 2022 यानी तीनों वैकेंसी जो है रिलीज कर दी गई है ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया है आप लोग फॉर्म ऑनलाइन कब से करोगे 20 जनवरी से इसको देखो यहाँ पे डाउनलोड करते हैं नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दिए यहाँ पे देखिए ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया है डाउनलोड कर चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस एवं उन्नति बोर्ड उत्तर प्रदेश यहाँ देखो उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो समारोह प्रधान परिचालक प्रधान परिचालक यांत्री के पदों पर सीधी भर्ती तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कितने पद आए टोटल नोटिस आज जारी हुआ देखो छः जनवरी दो अभी थोड़ी देर पहले जारी हुआ पाँच मिनट हुआ ठीक है यहाँ देखो तुरंत वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए तो भैया यहाँ देखो पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेषित अधियाजन पत्र संख्या इतना इतना उसके बाद टोटल पदों की संख्या यहाँ पे देख लो देख लो पदों की संख्या कितनी 936 टोटल पदों की संख्या क्या है 936 है जनरल की देख लो तीन और ई कैंडिडेट बानवे और नॉन प्रीमिलियर ओ बी कैंडिडेट दो सौ बावन कैंडिडेट एक और वहीं पे बात करते हैं एसटी टी एक अठारह टोटल अठारह सीट तो भैया टोटल कितनी सीट हैं नौ सौ छत्तीस महिलाओं की देख लेना कितनी है एक सौ छियासी और सेनानी कितनी सीट है अठारह भूतपूर्व सैनिक छिया टोटल छियालीस कुल पदों की संख्या कितना है नौ सौ छत्तीस यहाँ पर देखो किसके लिए प्रधान परिचालक और प्रधान परिचालक यांत्रिक के पदों पर ठीक है और आपको दिखाते हैं आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए बाकी यहाँ पे देखो आरक्षण की बात की कैसे कैसे होना है सबका देना है सबको दिए गए हैं देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्म ऑनलाइन कब से होगा आपका यहाँ देखो फॉर्म ऑनलाइन कब से होगा और बीस 20 जनवरी 2022 से आपका फार्म ऑनलाइन स्टार्ट होगा और 28 दो 2022 तक आपको टाइम मिला है यानी 28 फरवरी तक, तक। तकरीबन आपको मिलेगा एक एक महीने से ज़्यादा एक महीना पूरा मान लीजिए मिल है ठीक है एक महीना टाइम तो आराम से आप लोग फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हो आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि अट्ठाईस दो दो से फरवरी में और आवेदन पत्र सब्मिट करने के अंतिम थे तो थे ठीक है बाकी आपको अट्ठाईस दिन टोटल मिल रहे हैं बीस तारीख से फॉर्म ऑनलाइन होगा क्लियर आवेदन शुल्क देख लो चार सौ रुपये लिया गया है बाकी यहाँ पे देखो और दिखाते हैं मेन मेन पॉइंट बता दे रहे हैं आपको राष्ट्रीयता सब कुछ यहीं होनी चाहिए इंडियन आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं शैक्षिक यहाँ देखो शैक्षिक आहताएँ क्या क्या होनी चाहिए भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स या टेली या इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इसमें कुछ भी हो लेकिन तीन वर्ष डिप्लोमा आपका इसमें होना चाहिए अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष तीन वर्ष का जो हो उसके समकक्ष होना चाहिए तब भी आपका चल जाएगा लेकिन इसमें डिप्लोमा देखो दिया गया है ट्रेड वगैरह दिया गया है ये लोग डाल, डाल सकते हैं ठीक है बाकी सब कुछ यहाँ पर देखते चलो अपेयरिंग वाले पात्र नहीं होंगे जो अपेयर कैंडिडेट हैं जो पास होंगे वही डाल सकते हैं को क्लियर अधिमानियाँ हरताएं क्या होगा जो इसमें छूट वगैरह कुछ नहीं मिलती जब इक्वल कैंडिडेट का स्कोर हो जाता है तो इसमें छूट मिलती है जैसे मान लीजिए एन सर्टिफिकेट लगाओगे दो कैंडिडेट का स्कोर जो है सेम बराबर हो जाएगा तो जो कैंडिडेट तो सर्टिफिकेट लगाए होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे जो नहीं लगाए उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे क्लियर बाकी यहाँ पे देखिए उम्र की बात करते हैं तो 20 वर्ष होनी चाहिए एक साल 2022 को 20 वर्ष लेकर 28 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बाकी एस सी जो कैंडिडेट हैं इनको पाँच वर्ष की छूट मिलती है चरित्र देख लेना सबको दिया गया अच्छे से देख सकते हैं नोटिफिकेशन को अच्छे से जाकर रीड कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे देखते चलो शारीरिक क्या होगा शारीरिक स्वास्थ्य किसी अभ्य देखो किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो कहने का मतलब है जब आपकी शारीरिक जाँच होगी आप लोग स्वस्थ रहोगे फिट रहोगे तब आपका सिलेक्शन होगा मेडिकल होगा वही में ठीक है भर्ती प्रक्रिया कैसी होगी यहाँ भी देखिए भर्ती प्रक्रिया कैसी होगी यह चयन उत्तर प्रदेश रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली दो के अकॉर्डिंग होगी ऑनलाइन लिखित परीक्षा ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे जब आप लोग फॉर्म को अप्लाई करोगे आपके सही पाए जाएंगे तो उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी 400 अंक आपका पेपर होगा ठीक है ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी क्या ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी चार विषयों के वास्तविक प्रश्न होंगे बहुविकल्पी विषय देख लीजिए हिंदी में सौ अंक विज्ञान और मतलब जी की बात करते हैं सौंग और यहाँ पे देखिए मैथ की सौंग बाकी आपका इसमें रीजनिंग भी रहेगा ठीक है और यहाँ पे स्पेशल रीजनिंग की बात करते हैं सौंग टोटल जैसे यू पी पेपर हो ऐसे होगा लिख इसमें इसमें आई वगैरह नहीं इंक्लूड है ठीक भैया तो इसमें साफ साफ सा विज्ञान और समान ज्ञान ये देख लेना क्लियर बाकी आपका ढाई घंटे का पेपर होगा एक मिनट टाइमिंग और अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक तिथियों में भिन्न भिन्न पालियों में आयोजित कराई जाएगी प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे ऑनलाइन लिखित परीक्षा आपकी होगी तो भैया इसमें देखो सामान्यीकरण कहने का मतलब है इसमें देखो नॉर्मलाइजेशन होगा ठीक है जैसे मान लीजिए दो कैंडिडेट जैसे मान लीजिए बहुत से पाली होंगी इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होगा ग में देखते हैं ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 50 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में बेफर रहने वाले भर्ती को भर्ती बोर्ड के पात्र नहीं होंगे सेम जैसे यू का एग्जाम हुआ है वैसे इसका भी एग्जाम होगा हर सब्जेक्ट में आपको पचास पचास परसेंट आपको स्कोर लाना होगा क्लियर इसमें बात कही गई जो स्कोर पचास परसेंट नहीं ला पाएंगे वो भर्ती मतलब भ्यार्थी फेल हो जाएंगे क्लियर सब में पचास पचास परसेंट आपको लाना होगा और आपको दिखाते हैं बाकी आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा जब नॉर्मलाइजेशन होगा चारों विषय में देखो गणना समस्त चारों विषयों के सामान्यकरण यानी सब सब्जेक्ट में प्रत्येक सब्जेक्ट जो होगा हिंदी का अलग होगा जीके के का अलग होगा रीजनिंग मैथ का अलग होगा सबका होगा उसके बाद फिर ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन होगा और ओवरऑल कहने का मतलब पैंतीस परसेंट पचास परसेंट का मतलब यह है, है कि लगभग देखो प्रश्न कितने आते हैं इसकी स्पेशल वीडियो आ जाएगी उसके ऊपर और यहाँ पे देखते हैं आगे देखते हैं बाकी यहाँ पे देखो दस्तावेज वगैरह जो सारी चीज़ की गई है उसको देख लेना यहाँ देखो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानव परीक्षण ऊंचाई देख लेना समान यानी जनरल और ओबीसी एससी कैंडिडेट का एक सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए पॉइंट नंबर टू में देखो एस कैंडिडेट एक सेंटीमीटर क्लियर और आगे बढ़ते हैं सीना देख लेना सीना बाकी यहाँ पे देखो और सामान यानी कि जनरल कैटेगरी ओबीसी बी कैंडिडेट का बिना फुलाए न्यूनतम उन्यासी सेंटीमीटर और पाँच सेंटीमीटर फुलाने के बाद चौरासी सेंटीमीटर होना चाहिए वहीं पे एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं विदाउट फुलाए सतहत्तर पाँच सेंटीमीटर फुलाने के बाद बयासी सेंटीमीटर होना चाहिए एस कैंडिडेट क्लियर और टिप्पणी यहाँ देखो न्यूनतम पाँच सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है पाँच सेंटीमीटर आपका फुलाना पड़ेगा और मिनिमम आपके इतने होने चाहिए क्लियर हो गया होगा महिलाओं की बात करते हैं तो ऊँचाई इनका देख लेना एक सेंटीमीटर है जर्नल ओ बी और एस कैंडिडेट की बात करते हैं एक सेंटीमीटर क्लियर वज़न इनका नापा जाता है चालीस ग्राम मतलब चालीस किलोग्राम होना चाहिए चालीस किलो वज़न इनका बाकी यहाँ पे देखो सारी चीज़ आपको दिख रहा होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा इसको देख सकते हैं दौड़ वगैरह होगी इसमें यहाँ पे देखो अड़तालीस सौ मीटर दौड़ आपकी होगी और महिलाओं की चौबीस सौ मीटर होगी इनकी सोलह मिनट में होगी और पुरुष की कितने मिनट में अट्ठाईस मिनट में होगी क्लियर जैसे आपकी यू पी एस रनिंग होगी वैसे इसमें भी होगा क्लियर पता चल गया होगा चयन देखो कैसे होगा चयन तथा अंतिम श्रेष्ठ सूची लगेगी मतलब आपका फाइनल रिजल्ट जब आएगा उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा लिखित परीक्षा एक ही होगी उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा रनिंग वगैरह होगा उसके बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट लग जाएगी आपका सिलेक्शन हो जाएगा ठीक है बाकी अपना जो जाति प्रमाण पत्र होगा निवास प्रमाण पत्र उस लोग बनवाए होंगे जो नहीं जब अगर आपके पास होगा तो चल जाएगा नहीं होगा तो नया बनवा लीजिएगा ठीक है बाकी यहाँ पे देखिए छोटो वगैरह दी गई है पाँच पाँच साल यहाँ पर देख सकते हैं छोट वगैरह ओके सबको पाँच पाँच साल छूट दी गई है अच्छे से देख सकते हैं दिख रहा होगा और आगे दिखाते हैं आपको बाकी यही सारी जानकारी थी सब कुछ क्लियर कर चुके हैं कि भैया फॉर्म ऑनलाइन आपका होगा ये तो एक वैकेंसी की थी ठीक है तो यहाँ देखो अच्छे से दिख रहा होगा क्लियर यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे कहाँ कहाँ से आएगा देख लेना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हिंदी हिंदी का स्क्रीन ले लीजिए हिंदी आपको दिख रहा होगा हिंदी से यहाँ से प्रश्न आएगा यहाँ पर देखो सिलेबस वगैरह ऑफिशियल जारी हो गया है उसके बाद यहाँ पर देखो विज्ञान से कहाँ से प्रश्न आएगा विज्ञान से देख लीजिए इतने प्रश्न पूछेगा क्लियर उसके बाद जीके से कहाँ से प्रश्न आएंगे जीके से यहाँ देखो सामान्य जीके के यहाँ से प्रश्न आएगा क्लियर उसके बाद देखो यहाँ से यहाँ देखो उसके बाद आपको दिख रहा होगा मानसिक योग्यता परीक्षण यहाँ से प्रश्न आएंगे इतने से आपको दिख रहा होगा मैथ से ठीक है उसके बाद ले यहाँ पे देखो स्क्रीन शॉट ले लेना ठीक है बाकी आपको नीचे दिख रहा होगा यहाँ पे देखो ए है रीजनिंग रीजनिंग का पोर्सन देख लीजिए पूरा स्क्रीन ले लेना क्लियर यहाँ पे देखिए रीजनिंग जो सेक्शन है इसको स्क्रीन ले सकते हैं रीजनिंग से जहाँ से प्रश्न आएगा बाकी सब कुछ अच्छे से आपको बता चुके हैं बाकी आपको नोटिफिकेशन अच्छे से रीड करना होगा जाके प्लीज़ इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करो और पढ़ सकते हैं और एक नोटिफिकेशन दिखाएँ तीन आया है ये पहला नोटिफिकेशन है और दिखाते हैं आपको यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग सहायक परिचालक के पदों पर सीधी भर्ती ये परिचालक की वैकेंसी है यहाँ पे देख लो क्या क्या इसमें योग्यता है अच्छे से देख लेते हैं जल्दी जल्दी जल्द पदों की संख्या देखो यहाँ देखो मैट्रिक लेवल फोर पच्चीस हज़ार से आपको इक्यासी हज़ार सौ रुपये मिलेगा टोटल पदों की संख्या बात करते हैं तेरह सौ चौहत्तर जो कि इसमें बहुत ज़्यादा है ठीक है सहायक परिचालक की वैकेंसी है सीट कैटेगरी वाइज देख सकते हैं जनरल ओ बी सी एस सी एस टी कैंडिडेट अपना सीट देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है बाकी यहाँ पे देखो आ, सेनानी और भूतपूर्व सैनिक और महिला आपको क्लियर कर दिया गया है सीटों की संख्या ठीक और आपको दिखाते हैं यहाँ पे मेन मेन पॉइंट आपको दिखाते हैं यहाँ देखो फॉर्म सेम वही ऑनलाइन होगा जो अभी बताए हैं बीस तारीख से तीनों के तीनों फॉर्म जो है ऑनलाइन होने स्टार्ट हो जाएगा शुल्क वगैरह वही चार सौ रुपये है आप यहाँ पे देखिए यहाँ देखो इसमें शैक्षिक हारता देखते हैं अलग अलग सब में है तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से भौतिकी एवं गणित विषय से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो कहने का मतलब यह है जो आपके इंटर किए हो उसमें भौतिक विज्ञान होना चाहिए और या तो गणित होना चाहिए जो भी आपका सब्जेक्ट होगा ठीक है तो आप लोग आराम से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो इसमें इंटरमीडिएट पास ओनली मांगा है क्लियर पता चल गया होगा इंटर वाले कैंडिडेट इसको डाल सकते हैं भौतिकी एवं गणित आपका विषय होना चाहिए बाकी यहाँ पे देखो सब कुछ वही दिया गया है यहाँ पे देखो आई सी इसमें बहुत कम है अठारह वर्ष लेके अठारह वर्ष लेके कर बाईस वर्ष तक इसमें बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जनरल की एज है अठारह से बाईस साल बाकी इसमें पाँच साल एस कैंडिडेट अपना जोड़ सकते हैं बाईस में पाँच जोड़ दोगे तो लगभग आपकी सत्ताईस साल उम्र हो जाएगी क्लियर अच्छे से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखो और आपको दिखाते हैं यहाँ पे देखो सेम वही पेपर होगा आपका चार सौ अंकों का पेपर होगा सब कुछ सेम वही दिया गया हर चीज़ जो भी थोड़ी देर पहले बताएँ पेपर देख लो टाइमिंग वही है ढाई घंटा पचास परसेंट सभी में स्कोर लाना अनिवार्य होगा ठीक है नॉर्मलाइजेशन स्कोर इसमें भी होगा सब कुछ क्लियर किया गया कैसे कैसे गुड़ा किया जाएगा और आपको दिखाते हैं ऊँचाई वगैरह सब कुछ सेम जो बताए हैं वही रहेगा कुछ भी चेंजेस नहीं है सीना वही है मे, मेल फीमेल सब कुछ वही है वजन वगैरह देख लो इसमें वही है सब कुछ और बाकी सब कुछ पैटर्न वही है बस इसमें उम्र की चेंज हुआ है और इसमें योग्यता क्या है उसमें चेंजिंग हुआ है और पदों की संख्या में ठीक बाकी सब कुछ वही है कुछ भी चेंज इसमें नहीं किया गया है देख लेना बाकी पाँच वर्ष की छूट सबको दी गई है ऑफिशियली जो मिलती आई है और आपको दिखाते हैं बाकी सब कुछ यहाँ पे दिया गया है अच्छे से इसको नोटिफिकेशन को जाके पढ़ सकते हैं ठीक है यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाया गया है भैया कब कब से आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट कब कब बना होना चाहिए ये भी देख लेना बाकी इस वीडियो आती रहेगी कंटिन्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सब कुछ जानकारी इस पर मिलेगी और आपको दिखाते हैं यहाँ पर देखिए बाकी सब कुछ वही का गया है अच्छे से नोटिफिकेशन जाके पढ़ सकते हैं सिलेबस वगैरह देख सकते हैं वही है बिल्कुल भी चेंज इसमें नहीं किया गया है ठीक है और नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं दूसरा तीसरा लास्ट दिखाते हैं आपको यहाँ देखिए लास्ट नोटिफिकेशन है तीसरा उत्तर प्रदेश रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी पदों पर यहाँ भी देखो अच्छे से आपको दिख रहा होगा इसकी पदों की संख्या टोटल एक है कैटेगरी वाइज अपना सीट देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज अपना सीट अच्छे से देख सकते हैं टोटल एक सौ सीट हैं इसमें और टोटल काउंट करोगे लगभग दो दो हज़ार चार सौ लगभग दो हज़ार चार सौ तीस सीटें हैं टोटल मिला लोगे तो तीनों का ठीक है जो कि बहुत ज़्यादा है आप लोग आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बीस तारीख से फॉर्म ऑनलाइन होगा तीनों हो का बाकी यहाँ पे देखो महिला सेनानी और भूतपूर्व सैनिक वाले देख सकते हैं रिजर्व सीट है आपकी और यहाँ पर देखो सेम वही बात कही गई है डेट वगैरह ऑनलाइन सेम होगा योग्यता देखते हैं इसकी क्या है यहाँ पर देखिए जो मेन मेन पॉइंट है उसको बता दे रहे हैं इसमें देखिए आयु सीमा उम्र देख लीजिए क्या मांगा है बीस वर्ष लेके अट्ठाइस वर्ष इसमें भी उम्र मांगा है ठीक है बीस वर्ष लेके अट्ठाइस वर्ष क्लियर और आपको दिखाते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखो शैक्षिक योग्यता क्या मांगा है भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा या या बोला गया है ठीक है समझ लेना या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तो कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा अथवा मतलब अथवा इसके अलावा ठीक है अथवा किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान मतलब आईटीआई से इलेक्ट्रॉनिक्स या टेली कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेडियो एंड टेलीविज़न इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेशन मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड प्रमाण पत्र परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो ये लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं योग्यता अच्छे से स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्क्रीन शॉट ले सकते हो जो योग्यता आप इसमें से रखते होंगे आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं क्लियर बाकी डाउट वगैरह रहेगा तो कमेंट कर देना सब कुछ इसके ऊपर वीडियो आने वाली है बैक टू बैक अपेरिंग में जो पढ़ रहे हैं कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते जो कैंडिडेट पास होंगे वही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं क्लियर बाकी सब कुछ वही है यहाँ पे देखो उम्र की बात करते हैं तो इसमें बीस साल से लेके अट्ठाईस साल है बाकी पाँच साल आपकी उम्र में छूट है सब कुछ देख सकते हैं देखो इसमें भी वही बात कही गई चार सौ नंबर का आपका पेपर होगा सेम सिलेबस वही है कोई भी चेंज नहीं सिलेबस में टाइमिंग वही रखा गया है पचास परसेंट आपको हर सब्जेक्ट में लाना होगा पचास पचास परसेंट गुणांक कैसे होगा सूत्र दिया गया है यहाँ पे और आपको दिखाते हैं बाकी बाकी वहीं पे हाइट वगैरह सब कुछ वही सीना वगैरह मेल फीमेल सब कुछ वही है क्लियर सब्जेक्ट वही है सारी चीज़ें वही दिया गया है बाकी इसमें चेंजेस क्या है योग्यता में चेंजेस है उम्र में चेंजेस है वैकेंसी में चेंज है बाकी सब कुछ सेम वही है क्लियर बाकी कोई डाउट होगा कमेंट प्लीज़ कर देना उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी ठीक है बाकी जाके आराम से खुशखबरी आप लोग देख सकते हैं खुशखबरी आप सबके लिए आ चुकी है तीनों वैकेंसी की फॉर्म ऑनलाइन होगा बीस तारीख से और अट्ठाईस फरवरी को फॉर्म ऑनलाइन इंड हो जाएगा आप लोग बीस तारीख से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कोई भी डाउट होगा कमेंट करके पूछ लेना बाकी इस पर पूरी की पूरी डाउट वाली वीडियो आ जाएगी इस पर कोई ऐसी वीडियो नहीं होगी जो छूट जाएगी सब कुछ ए टू जेड बता दूंगा फार्म से ऑनलाइन लेके पूरा ज्वाइनिंग तक ठीक है इसका पूरा जॉब प्रोफाइल बता दूंगा क्लियर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाले वीडियो में बहुत सारी जानकारी इस पर मिलने वाली है मिलते हैं नेक्स्ट टूडियम थैंक यू धन्यवाद